सनद यही है कि हर्फ सनद को आते हैं, जमाने भर की दुआओं की जद को आते हैं। एक ऐसा बाब हवाई जिन्हें हजरत अब्बास जिसे पुकारे तो चौदह मदद को आते हैं। मेरे साथ सब मिलके पढ़े, जीत गए अब्बास, 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 जीत गए अब्बास। अरे ओम मांगली करी आमंत्रित कसीदा खान अली अकबर अमीन पास से चाहिया आगे ये तरह कसीदा पेश करे पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवार सभी आजाद को जश्न कुरान और जश्न अहले बैत की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इससे अच्छी बात क्या होगी कि हम महफिल इमाम ज़माना में बैठे हैं और जो इस बार भी हमारे हामी है, हामी सरबराह रहबर भी हैं, तो उनको हाजिर और नाजिर रख के। अब सभी जगह की ड्यूटियाँ तो सबकी होती है लेकिन आपकी ज़्यादा पड़ गई हैं, चूँकि हम महफिल इमाम ज़माना में बैठे हैं तो सबूत इमाम ज़माना को सबको देना है कि यहाँ पे सब लोग माशाल्लाह ज़िक्र अहले बैत ज़िक्र कुरान में शामिल थे। और एक सलवात का नजराना पेश कर दें मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। और जितने लोग हैं यहाँ पे सब मिलकर एक और जश्न कुरान की मुबारकबाद हम हमारे इमाम ज़माना की बारगाह में एक ऐसी सलवात का नजराना पेश करें कि महफिल इमाम ज़माना में पता चले जश्न कुरान हो रहा है, सब मिलजुल कर बुलंदतरीन आवाज़ से सलवात पढ़ते हैं। और चूँकि कुछ कल भी मैं कह रहा था कि जाने माने चेहरे भी हैं और कबीला भी मौजूद हैं, जितने उलमाए किराम हैं सबकी इजाज़त लेते हुए और जमात के जो मेंबरान हैं उनसे भी सबसे इजाज़त लेते हुए, शायर हैं जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं सबकी इजाज़त लेते हुए हम सब मिलकर एक तोहफ़ा अहले बैत की बारगाह में पेश करें। तो बात यह है कि इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको जितना करीब कर सकूँ, बस इंडिया से तो यहाँ तक आपके लिए आ गया लेकिन वहाँ से आप थोड़ा सा मेरे लिए यहाँ पे आ जाएंगे तो इससे अच्छी बात क्या होगी। बस आप बैठे हैं जहाँ पर वहीं बैठ के सुने लेकिन आपकी जहन आपकी आंखें और आपके कान इधर होने चाहिए, चूँकि मैं जिक्र अहले बैत कर रहा हूँ। जिसका आना है वो आते रहेंगे, जिसको अपनी हाजत के लिए जाना है वो जाते रहेंगे। सब मिलकर अपनी गुफ्तगू का आगाज एक चार मिसरे से करता हूँ। इमाम चूँकि कल भी जिक्र हो रहा था और आज भी महफिल इमाम ज़माना में, तो इमाम आएंगे तो क्या होगा, और हम सब कितने खुश नसीब है कि हम उनके साथ उनकी जब आमद होगी तो ये नक्शा पेश करने की कोशिश की। इमाम आएंगे तो गुल खिलेंगे पानी पर, इमाम आएंगे तो गुल खिलेंगे पानी पर, नमाजियों के मुसल्ले बिछेंगे पानी पर, नमाजियों के मुसल्ले बिछेंगे पानी पर, तो ज़माना देखेगा ये मौजज़ा भी आँखों से। मैं हमेशा से कहता हूँ, कल भी मैंने कहा था कि ये वो फर्श अज़ा है कि जिस पे हमें हमारी आह का भी सवाब मिलता है, हमारी वाह का भी सवाब मिलता है, तो हमें दोनों चीज़ें अपना लेनी चाहिए। तो जिसे जो जहाँ पे मिलता जाए, और कभी इस बोलने में या सुभान अल्लाह कहने में शर्माया ना कर, ये भी एक अल्लाह का नाम है,
तो इसमें कभी बोलने में शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए। मैंने ये बात कल भी कही थी और इस वजह से कह रहा हूँ कि आप लोगों के दिल में एक जज्बा पैदा हो। माशाल्लाह जितने बच्चे हैं उनके लिए कह दूँ कि हमारे जब 6 महीने के बच्चे ने हंस के लाखों के लश्कर को रुला दिया था, तो हम तो उनके गुलाम हैं, उनके पैरोगार हैं। अगर हम ही इस बात पे वो करेंगे, इमाम आएंगे तो गुल खिलेंगे पानी पर, नमाजियों के मुसल्ले बिछेंगे पानी पर, ज़माना देखेगा ये मौजज़ा भी आँखों से, क्या ज़माना देखेगा ये मौजज़ा भी आँखों से, हुसैन वाले नमाज़ें पढ़ेंगे पानी पर। ये बात होती है सुनने वालों की, हुसैन वाले नमाज़ें पढ़ेंगे पानी पर, हुसैन वाले नमाज़ें पढ़ेंगे पानी पर। अभी जो फर्श है बिछते इमाम बाड़ों में, अभी जो फर्श है बिछते इमाम बाड़ों में, अज़ा के फर्श ये एक दिन बिछेंगे पानी पर, अज़ा के फर्श ये एक दिन बिछेंगे पानी पर। पाकिस्तान में कभी ऐसा होता है कि जुलूसों पे बहुत ज्यादा पाबंदी होती है। शेर का जिक्र करता हूं कि अभी जो गलियों में चलने नहीं दिया जाता, अभी जो गलियों में चलने नहीं दिया जाता, यही जुलूस लिए हम चलेंगे पानी पर, यही जुलूस लिए हम चलेंगे पानी पर, यही जुलूस लिए हम चलेंगे पानी पर। आलम को लेके जो चलते हैं आज शोलों पर, आलम को लेके जो चलते हैं आज शोलों पर, ज़बूर होगा तो ये सब चलेंगे पानी पर, ज़बूर होगा तो ये सब चलेंगे पानी पर। चिरा चिरा आज अज़ा खानों में जो जलते हैं, यही चराग़े अकीदत जलेंगे पानी पर, यही चराग़े अकीदत जलेंगे पानी पर। और एक अच्छा शेर है, सबकी तवज्जो चाहता हूँ, बतौर खास देखिएगा, कि अली के बुग़्ज़ में जिन जिन के दिल सुलगते हैं, अली के बुग़्ज़ में, अली के बुग़्ज़ में जिन जिन के दिल सुलगते हैं, उन्हीं के पांव भी एक दिन जलेंगे पानी पर। मेरे साथ सब मिलके बोलो नारा हैदरी, 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 उन्हीं के पांव भी एक दिन जलेंगे पानी पर। और माशाल्लाह ये जश्न कुरान यहाँ पे हो रहा है, तो इंशाल्लाह इसे भी शामिल करते हुए एक शेर, तरक्की देख के शर्माएगी अली अकबर, तरक्की देख के शर्माएगी अली अकबर, जो हम ये जश्न विलादत करेंगे पानी पर। एक सलवात पढ़ते हैं, मोहम्मद वाले मोहम्मद और सलवार पढ़ते हैं, मोहम्मद वाले मोहम्मद पर एक कसीदा इमाम हुसैन की बारगाह में समान कर दें।
فرشے فضیلت امام حسین اس کے بعد میں ایک دو نظمیں انشاءاللہ پیش کروں گا لیکن میں خود گجراتی ہوں اور میں گجرات کے رہنے والا ہوں تو اتنی بھاری بھرکم شاعری نہیں کروں گا ہاں پڑھنا میرا کام ہے آپ کوشش کرنا پہنچنے کی انشاءاللہ میں جو ٹچ دے کے جاؤں وہاں تک آپ پہنچ جائیں گے بس کوشش کرنا اس کو ٹچ کریں آپ نظر کرتا ہوں امام حسین کی فضیلت سنیں فرشے زمین فرشے مولا حسین کا سنیں فضیلت ہم جس کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں اور ہمیشہ جب بھی فرش عزا پہ بیٹھے تو بی بی زینب کا شکریہ ادا کریں چونکہ اسی کی باعث سے ہم آج اس فرش پہ آرام سے بیٹھ کے جو اتنا اچھا جشن کر رہے ہیں فرش زمین فرش مولا حسین کا فرش زمین فرش الگ الگ ہوتی ہے نا ایک شعر چلتے ہیں سارے ملک میں سکے الگ الگ چلتے ہیں سارے ملک میں سکے الگ الگ چلتا ہے ہر جگہ جو سکہ حسین چلتا ہے ہر جگہ جو وہ سکہ حسین کا اور ماشاءاللہ ہم جو یہاں پہ نظر و نیاز اور ہمیشہ سکھاتے رہتے ہیں نظر کرتا ہوں کہ اتنا اتنا لٹایا راہ خدا میں کیا آج تک سب سلامت رہے مولا سب کو سلامت رکھیے آپ ہمیشہ خاک پہ سجدہ کرتے ہیں نا تو وہ بھی کتنی باعث سے ثواب ہے میں نظر کرتا ہوں ایک شعر بطور الفاظ دیکھیے اس سے قبل ایک سلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر فرش زمین برش مولا حسین کا ہے ساری کائنات پہ قبضہ حسین کا پھیرا نہ ہاتھ اس لیے فطر اس کے جسم پر یہ چھوٹے کام کرتا ہے جھولا حسین کا
होता है उस जमीन पे सजदा हुसैन का, दिल में न रह गई मेरे जन्नत की आरज़ू, सखी की सखावत न दे सकी, इतना किसी सखी की सखावत न दे सकी, जितना जहां को देता है फाना हुसैन, जितना जहां को देता है सर्वा।